हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो रेट यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि दोस्तों ये जो फैन होती है, ये सेलिंग फैन में की है, स्टार्टर मैंने जो काटी है, इसको कौन से फैन को कौन से वायर से बांधे दोस्तों। तो आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ कि दोस्तों आपको समझ में नहीं आती है कि कौन से वायर से किस फैन को बांधे दोस्तों। तो दोस्तों वहीं आज मैं क्लियर करके आपको बताने वाला हूं कि कौन से तार, यानी कि इसको तार बोलते हैं दोस्तों, क्वाइल बोलते हैं, इस क्वाइल को कौन से स्टार्टर में कौन से क्वाइल डाला जाता है तथा कौन से तार से कौन से फैन बांधे जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से वायर से किस फैन को बांधा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपका टाइम लॉस नहीं करते अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि कौन से वायर से कौन से तार, कौन से फैन बांधे जाते हैं दोस्तों। फैन की स्टार्टर तो अलग अलग साइज आती है दोस्तों, ये जैसे 2 इंच की मोटी हो गई, 1 इंच मोटी हो गई, इसके 1/2 इंच मोटी आएगी, उसके बाद टेबल फैन, स्टैंड फैन, सेलिंग फैन, वाल फैन, ऐसे कई सारे फैन आते हैं जिसको मैं बेंडिंग करने के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से वायर से किस फैन को बेंडिंग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करें ताकि वीडियो के फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं सीक्रेट यूट्यूब चैनल, मैं प्रिंस तिवारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेलिंग फैन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सेलिंग फैन के स्टार्टर बहुत से आती है, तो आप मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये 1 इंची मोटी में है और ये 1/2 इंची मोटी में है दोस्तों। तो ये आपको दिख रही होगी, 1/2 इंची मोटा है और ये 1 इंची मोटा है। तो दोस्तों कौन से स्टार्टर में कौन से तार भरने हैं, तो आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको सेलिंग फैन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तूफान या जो भी कंपनी, तूफान या लोकल जो भी कंपनी आती है, उसकी स्टार्टर मोटी होती है, तो उसमें आपको 35 नंबर की वायर यूज करनी है दोस्तों। इस जितने भी स्टार्टर मोटी आती है, इस मोटी स्टार्टर आती है, इसमें 35 नंबर का वायर यूज करना है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जितनी भी स्टार्टर पतली आती है, यानी कि बजाज, ओरिएंट, उषा या जितनी भी कंपनी की फैन आती है, उसमें स्टार्टर पतली होती है, तो उसमें आपको 36 नंबर की वायर यूज करनी है दोस्तों। ये 36 नंबर से बांधे जाते हैं जिसकी स्टार्टर पतली होती है, और जिसकी स्टार्टर मोटी होती है उसको 35 नंबर से बांधे जाते हैं दोस्तों। टर्न के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से फैन में कितने टर्न रहने चाहिए या कितने स्लॉट पे कितने टर्न रहने चाहिए, उसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये स्टार्टर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों ये जो अभी आप फिगर देख रहे हैं, बुलेट फैन, वही फैन का ये क्वाइल है दोस्तों। उसी फैन का ये क्वाइल है जो आपने पीछे जो आपने इमेज देखा था, उसी का ये क्वाइल है, उसी को आज मैंने इसको रिवेंड किया है। तो दोस्तों इसको 34 नंबर से रिवेंड किया जाता है दोस्तों, आप समझ लीजिए, इसको 34 नंबर एल्युमिनियम या कॉपर से रिवेंड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रही है, अभी जो आप ये फैन देख रही है, 5 ब्लेड की फैन है, यानी कि आप ये लोकल फराठा फैन है, यानी कि 5 ब्लेड की आती है, तूफान कंपनी की फैन है। तो इसको दोस्तों आपको 31 नंबर से बांधना है दोस्तों। इसको 31 नंबर से बांधेंगे तो जैसे आप बांधेंगे वैसे परफेक्ट चलेगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो अभी आप फिगर देख रहे हैं, ये 2 ब्लेड फैन है, ये भी फराठा ब्लेड है, लेकिन इसको दोस्तों ये जो बनाते हैं इसको सेट में बनाना होगा दोस्तों। इस सेट को, क्वाइल को बनाने के लिए आपको 32 नंबर वायर का यूज करना होगा दोस्तों। 2 ब्लेड फराठा फैन को बांधने के लिए आपको 32 नंबर वायर का यूज करना होगा, और 5 ब्लेड फराठा फैन को बांधने के लिए आपको 31 नंबर वायर का यूज करना होगा दोस्तों। उसके बाद में जो अभी आप देख रहे हैं इमेज, ये टेबल फैन है दोस्तों, इसको बांधने के लिए आपको 34 नंबर कॉपर या एल्युमिनियम का यूज करना होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये होती है वाल फैन दोस्तों। वाल फैन की अलग अलग कैटेगरी आती है, मैंने आपको बताया था, स्टार्टर पर डिपेंड करती है दोस्तों, लेकिन उसका मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। वो 36 और 37 के बीच में बांधी जाती है दोस्तों, या तो वो ये स्टार्टर 36 नंबर से बांधी होगी, या तो ये स्टार्टर 37 नंबर से बांधी होगी दोस्तों। जो ये अभी आप वाल फैन देख रहे हैं, ये 36 या 37 नंबर से बांधे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं कूलर किट है दोस्तों, ये कूलर किट की एक प्रारूप है दोस्तों, जो कि केवल मोटर मार्केट में बेची जाती है। इसको दोस्तों आपको 2 वायरों से बांधना होता है दोस्तों, इसको 30 नंबर और 31 नंबर से बांधा जाता है दोस्तों। रनिंग इसकी दोस्तों 30 नंबर से बांधी जाती है, और इसकी स्टार्टिंग दोस्तों 31 नंबर से बांधी जाती है, इसलिए इस फैन में अत्यधिक स्पीड आती है दोस्तों। अगर आपको क्वाइल पीस जानना हो, या वायर के बारे में कुछ और डिटेल्स लेने हो, या स्लॉट कितने स्लॉट रहने पर कितने क्वाइल डाले जाते हैं इसके बारे में जानना हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ सुझाव अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया है यही सारे मार्केट में ऑलरेडी फैन चलते हैं। इसके अलावा अभी बहुत ही कम फैन देखने को मिलते हैं दोस्तों,
तो आपको मेरा बताया हुआ सुझाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ही ट्रिप्स आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको कंडेंसर के बारे में पता नहीं है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर कंडेंसर की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है।